हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। केशव, तोहरा कहला के अनुसार मनुष्य ज्ञान के अन्हार में आपन अहम के हाथ पकड़ के भटक रहल है और यही से समर्पण ना कर पावेला, मतलब अज्ञान ही समर्पण के रास्ता के चट्टान बन जाला। ता अज्ञान के अन्हार के दूर करे और ज्ञान प्राप्त करे के सरल साधन बतावा। श्रद्धा, हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करे के मूल साधन खाली श्रद्धा है। श्रद्धा के बीच से ही विश्वास के अंकुर फुटेला।
और आस्था के पौधा लहलहाए लागेला। फिर यह पौधा पर ज्ञान के फूल खिलेला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। हे भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के संबंध में श्रद्धा के ज्यादे महत्व काहे दे रहल है? देवी, श्रद्धा बिना भक्ति कैसे हो सकेला? श्रद्धा ही भक्ति के बीज है। मनुष्य खातिर श्रद्धा ही वो दिव्य नेत्र है जिनका द्वारा एगो अंधा मनुष्य भी भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकेला। ई श्रद्धा ही तह जे मनुष्य के एगो पत्थर के मूर्ति में भी भगवान के रूप दिखा देवेला। जैसे हमार श्रद्धावान भक्त के शिवलिंग में ही हमार रूप दिखाई देवेला। बाकी एगो नास्तिक के ऊ खाली एगो पत्थर के टुकड़ा ही दिखाई देवेला। देवी, श्रद्धा ना होखे तब भगवान सामने भी ठाड़ होखे, त श्रद्धा ही नास्तिक के आंख के ऊ भगवान ना कुछ और ही दिखाई दी है। फिर ना श्रद्धा हुई और ना भक्ति। श्रद्धा वो सीधा और सरल रास्ता है जो मनुष्य के प्रेम और शांति को ले जाला। ऐसे कि श्रद्धा द्वारा मनुष्य निष्ठावान बन जाला, और जौन मन में श्रद्धा ना होला वो मन संशय और शक के अंधकार में एह तरह भटक जाला कि ओकरा ना तो एह लोक में सुख के प्राप्ति मिलेला और ना ही परलोक में शांति प्राप्त होखेला। श्रद्धा बिन विनय और विनम्रता न आए पार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहम लिए जलता। श्रद्धा के गर्भ से ही लेता विश्वास जन्म, विश्वासी हृदय तर्क जाल से निकलता। श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से एक निष्ठ हुए बिना काम नहीं चलता। श्रद्धा बिन प्रेम नहीं, भक्ति नहीं प्रेम बिन, के श्रद्धा ही दिलाए ईश प्राप्ति में सफलता। श्रद्धा ही दिलाए इष्ट प्राप्ति में सफलता। हे संजय, तोहरा मुंह से श्री कृष्ण के उपदेश के सुन सुन के हमार मन शांति के खोवत जा रहल हा। कितना विचित्र बात है। यदि आपके मन अशांत हो रहल हा तो यह में विचित्र का हा? संजय, श्री कृष्ण के उपदेश के मुख्य उद्देश्य अर्जुन के अशांत मन के शांति दिहल हा। बाकी हमरा पर एकर उल्टा ही असर हो रहा है। हमार शांत मन अशांत हो रहा है। ऐसन काहे हो रहा है संजय, काहे हो रहा है? महाराज, श्री कृष्ण जी ठीके कहले हैं कि श्रद्धा ना होखे तो मनुष्य सुखी ना हो सकेला। आपके मन में श्रद्धा के अभाव है, यही से आप श्री कृष्ण के उपदेश के दर्पण में अपना आप के देख के दुखी हो रहल हैं। हाँ संजय, दुखी हो रहल हैं। और ऐसन लागत है कि अब सुख शांति हमके कबो ना मिली, कबो ना मिली। जौन मन में श्रद्धा ना होला वहां शंका होखेला, जैसे जहां उजाला ना होखेला
वहां अंधेरा होखेला, ना श्रद्धा होई, ना आस्था होई, त मनुष्य आस्तिक ना रहे, नास्तिक बन जाई, और वो कबो सुखी ना हो सकेला। हे अर्जुन, संशय के अंधकार के ज्ञान के प्रकाश से जे काट देवेला और ज्ञान द्वारा प्राप्त बुद्धि के प्रेरणा से अपना आप के समर्पित कर देवेला, ओकरा के कर्म ना बांध सकेला। ऐसे हे पार्थ, अज्ञान के कारण जे संशय तुहरा हृदय में उत्पन्न भइल हा, उनका के ज्ञान और विश्वास के तलवार से काट के अपन कर्म रूपी युद्ध खातिर कमर बांध के ठार हो जा। हे मधुसूदन, तू कहेला कि मनुष्य अपन अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ल रहेला और यही कारण पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाला। बाकी तू ही ए मायामय सृष्टि के रचना करके और दूसर ओरी मनुष्य के चंचल मन प्रदान करके दोनों के एक दूसरा में उलझा दिले बड़ा। पग पग पर मनुष्य के बहके खातिर अनगिनत आकर्षण पैदा किले बड़ा। मनुष्य एकर जाल में उलझल रहेला और क्षमा करिहा, तू ही जाल बिछा के कोनो शिकारी या बहेलिया के लेखा जाल में फसल मनुष्य के हाथ पैर मारे ओकर छटपटाए के तमाशा देखत रहेला। ना अर्जुन, हम तमाशा ना देखिले, बल्कि अपन माया के लीला देखिले। फिर भी खाली देखते रहेला ना, सहायता तो ना करेला कि बेचारा प्राणी एहर ओहर भटक रहल है, रास्ता भुला गेल है। तोहार मन में बेचारा मनुष्य के सहायता करे के विचार कबो ना आवेला कि आगे बढ़ के ओकर हाथ थाम लेही, ओकरा सच्चा रास्ता दिखाई। बिल्कुल आवेला, और हम मनुष्य के सहायता भी करी ले। बाकी कब कब करे ले तू ओकर सहायता? हम तो देख रहा है कि तू कर्म के विधान बना देले बड़ा, जन्म मरण के चक्र चला देले बड़ा और यह चक्र व्यूह में मनुष्य के फंसा देले बड़ा। ई तो कोनो बात ना भइल, ई तो कोनो सहायता ना भइल। हम सहायता जरूर करी ले, अपन भक्त के हम कबो बेसहारा ना छोड़ी ले। बाकी मनुष्य हमरा और देखस ता सहायता खातिर, हमरा और बढ़स ता हम उनकर सहायता करी ना। बाकी ऊ तो हमरा और बढ़े के बजाय अपन अहंकार में डूबल रहेला, अपन बाहों बल के घमंड में पड़ल रहेला। ऊ तो ए भ्रम में पड़ल रहेला कि संसार में ओकरा से बढ़ के केहू नहीं खे। ऊ खाली अपन बुद्धि और अपन बल पर ही भरोसा करेला, अपन बाहों बल पर ओके आपन परमात्मा से भी ज्यादा अधिका विश्वास होखेला। अपन रास्ता से भटकल मनुष्य के सहायता खातिर आखिर तू ओकरा से का चाहेला? का तोहके सोना चांदी के चढ़ावा चाही? का तू अपन भक्तन से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहेला? हम मनुष्य से एगो श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं चाहत, कुछ नहीं की मांगत। उ हमरा खातिर बड़का बड़का चढ़ावा ना चढ़ावे, सोना चांदी घी चंदन और पकवान के चढ़ावा हमके ना चाही। श्रद्धा और भक्ति भाव से एगो फल, एगो फूल, फूल के एगो पत्ता, पानी के एगो बूंद ही सही, या चावल के आधा दाना ही सही, हम ओकरा के भी भक्त के श्रद्धा से कहीं ज्यादा श्रद्धा से स्वीकार करीला। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति के एगो आंसू ही सही, हम ओकरा के भी स्वीकार कर लेला। श्रद्धा में डूबल ओह
एगो आंसू में हमार सगरे अस्तित्व सराबोर हो जाला। भक्ति अथवा पश्चाताप के ई आंसू चाहे लाखों पाप कैला के बाद अंतिम क्षण में ही काहे ना बहावल जाए, हम ओ अनुपम भेंट के भी स्वीकार कर लेला और मनुष्य के सगरे पाप के ओ आंसू से धो के ओकरा के नवजात शिशु के तरह निष्पाप कर देला, ओकर कल्याण करीला, ओकरा के मुक्त कर देला। खाली एगो फल फूल या पत्ता के अर्पण करे पर ही मुक्ति दे देवेला, फिर कर्म विकर्म पाप पुण्य धर्म के विधान सब ऐसे ही रह जाला। ई धर्म ई विधान और ओकर सगरे सिद्धांतता चंद्रमा और अनगिनत तारा के लेखा होखेला, जे अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलात रहलन। माँ की जब भक्ति के सूरज उगेला ते सब के सब छुप चालन। जब तक रैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मतलब भक्ति के स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी ओकरा सामने तुच्छ हो जाला। हाँ, बाकी आसक्ति से रहित भक्ति जकरा खातिर कौनो पंडित प्रवचन कौनो पूजा सामग्री के कोई जरूरत नहीं खे। हाँ, खाली एगो शर्त हा। उ शर्त का है मधुसूदन? पूरा श्रद्धा और पूरा भक्ति से अपना आप के आपन सगरे कर्म के हमरा प्रति समर्पित करता। बस हम आपन ऐसन भक्त के सब कुछ भुला के ओकरा के मुक्ति दे देला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। वाह प्रभु वाह। भगवन, प्रभु आज कितना भावुकता से अपन प्रभुता के विशालता और उदारता के रूप अर्जुन के माध्यम से सगरे संसार के दिखा देली। हाँ देवी, प्रभु के ये अमृत वचन सगरे मानव जाति के कल्याण खातिर रह। भगवान श्री कृष्ण जी मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सगरे रास्ता देखा देली, जेकरा अपना के ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकेलन और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य के आसानी खातिर सबसे सहज और आसान रास्ता भी बता देलन, भक्ति के रास्ता। हे अर्जुन, भक्ति के स्थान अपने आप में ही इतना ऊंचा है कि आपन सच्चा भक्त लोग के हम स्वयं भक्ति करी ले। ई का कहता रा मधुसूदन, भला परमात्मा होके तू केहू भक्त के भक्ति कैसे कर सकेला? यदि परमात्मा भी भक्त हो जाई है तो फिर दोनों में का अंतर रह जाई? उहे अंतर तो हम मिटावल चाहते हैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कौनो सीमा रेखा ना खिंचेली। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है, जैसे प्रेम कौनो प्रेमिका और ओकर प्रेमी के एक बंधन में बांध के एक कर देवेला, वही तरह भक्ति द्वारा भक्त अपना भगवान में तथा भगवान अपना भक्त में समा जालन, दोनों एक रूप हो जालन। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में
करता रहा स्नान जग सारा, सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, धर्म अधर्म Krishna.